सो हेलो फ्रेंड, आप भी अगर इस प्रकार से वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपने काइनमास्टर का वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखे, तो वहां से जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने पीछे का बैकग्राउंड ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कार एक्सीडेंट का वीडियो किस तरह कैसे बनाते हैं, इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में और एक बटन दिखाई दे रहा है बेल का, उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे सबसे फास्ट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं हम हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। आने के बाद आपको करना क्या होगा, आने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, आपको सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह में जो प्लस वाला सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो सिंपल सा काम करना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस जगह में कैटेगरी चूज कर लेना है, सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो, तो आपको इस जगह में 16:9 सबसे बेटर है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक वीडियो शूट कर लेना है जैसे मैंने आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरह का वीडियो शूट करने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद उस वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो को आपने शूट किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को ले लेना है, जैसे कि मैंने आपने ले लेता हूँ। इस वीडियो को ले लेने के बाद आपको करना क्या होगा, ले लेने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद आपको इस जगह में देख लेना है, थोड़ा सा गलती हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इस पोजिशन में जब भी इस साइड से निकलोगे उस टाइम पैदल चलना स्टार्ट करोगे, उस पोजिशन में आपको वीडियो को क्या करना है, लेफ्ट साइड को टाइम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट में क्लिक करके कट कर देना है। अब कट कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, लेयर में क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको उस वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो गाड़ी वाला वीडियो, कार वाला वीडियो को, ग्रीन वाला, ग्रीन इफेक्ट वाला वीडियो को ले लेना है। ठीक है, अब ले लेना है। लेने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद इस जगह में क्रॉपिंग वाला ऑप्शन है, सबसे पहले आपको क्रॉप कर लेना है इस वीडियो को, इस वीडियो को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद आपको फिर से इसी लेयर में क्लिक करना है, गाड़ी वाला लेयर में। गाड़ी वाला लेयर में क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, रोटेट वाला जो ऑप्शन है, सबसे पहले रोटेट कर लेना है गाड़ी को। ठीक है, रोटेट वाला ऑप्शन में क्लिक करके रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद फिर से आपको उसी लेयर में क्लिक करके आपको क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद इसको इनेबल कर देना है, और जब भी इसको इनेबल कर देते हो थोड़ा सा आप इस जगह में एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी को। ठीक है, एडजस्ट कर लेना है। अब एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है, इस वीडियो को जूम कर लेना है। अब जूम करने के बाद आपको करना क्या होगा, नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाला गाड़ी का लेयर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाड़ी को क्या करना होगा, आपको इस कोने में हटा देना है, छुपा देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको नीचे वाला लेयर में क्लिक करना है। नीचे वाला लेयर में क्लिक करने के बाद गाड़ी को इस साइड में छुपा देना है। छुपा देने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह चाबी वाला जो आइकन है, चाबी वाला आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पोजिशन में आपको जब भी उस साइड से पैदल चलना स्टार्ट करेंगे उस पोजीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गाड़ी को निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी करके, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो तैयार होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप सोचना चाहेंगे किस प्रकार से आप करेंगे, उस तरह का से आपको हटाना है। ठीक है, हटाने के बाद आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि इस वीडियो को स्लो मोशन करेंगे लास्ट में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, और जब भी इसको एक्सपोर्ट कर लेते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपोर्ट करने के बाद आप इस वीडियो को किस तरह का से स्लो मोशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर फिर से आपको क्या करना होगा, प्लस वाला आइकन में चले जाना है। प्लस वाला आइकन में जाने के बाद फिर से आपको कैटेगरी चूज करना है। चूज करने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको करना होगा जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को ले लेना है। अब लेने के बाद जिस वीडियो को मतलब जगह आप स्लो मोशन करना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो को मैंने स्लो मोशन करना चाहता हूँ, स्लो मोशन करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को इस पोजीशन में ले लेना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद जब इस पोजीशन में, जब इस साइड से गाड़ी को गिराने के बाद पैदल हटोगे, इस जगह में आपको करना होगा कांची वाला बटन में जाके स्प्लिट एट प्लेट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने का इस लेयर में क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करने के बाद इस जगह में स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पीड को थोड़ा सा घटा देना है, इस जगह में घटा देना है। घटा देने के बाद इस वीडियो को प्ले करके देख लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में स्लो मोशन भी हो चुका है, तो आप शायद समझ चुके होंगे आप किस प्रकार से इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि आप इस तरह का वीडियो किस प्रकार से बनाएंगे या फिर किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया। अगर आपको इसी में से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे, मेरे वीडियो अगर पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी को भी बजा देना। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।